हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस वाला वीडियो तुमने देख लिया होगा, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। बेसिक बातें तो वहीं से निकल के आ गई। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने देखो क्वेश्चन नंबर 20 to 25 एक प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए तब अब थोड़ा सा डीपली समझो बातों को, अब ना विजुअलाइज करो, अंडरस्टैंड करो बातों को। क्या करें, नो सॉल्यूशन की सिचुएशन ये होती है सर, मतलब पैरेलल लाइन होगी और इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। तो इस सिचुएशन में एक वैल्यू अननोन है k, तो वो k की वैल्यू क्या रखो कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो हम इसकी हेल्प लेंगे भाई, तेरे को सेटिस्फाई करना है तो आ पहले। तो तुमने कहा कि सर k/6 a1 a2 = -5/2 is not equal to c1 c2, इधर है टिकर 2/7, अगर उधर ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को लेके आना। अब पहले तुम देखो क्या ये not equal दिख रहा है, yes, मतलब हम इसको वैसे भी चेंज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें k या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो पुट करें और इसको हम चेंज करें, तो ये तो नहीं होगा। बच्चा इन दोनों की बात करते हैं, तुम कहोगे सर k/6 is -5/2। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर इन दोनों को ले लो, बेटा हमें k की वैल्यू क्या रखनी है ये सोच रहे हैं हम, ये नहीं सोच रहे क्या नहीं रखनी। इससे लेगा तो तेरे पास इन दोनों से तेरे पास ये वैल्यू आएगी, k की वैल्यू ये मत रखना वरना ये इक्वल नहीं होंगे, समझ रहे हो बात को। तो तुम यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 2k = -5/6 होगा, और k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -5/6/2 दैट इज -15। तो हम समझ रहे, अगर हम k की वैल्यू -15 रखें, ओनली -15 रखें, तभी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। मतलब अगर हम -15/6 रखते हैं तो वो इक्वल होगा -5/2 के। क्या इस बात से तुम सेटिस्फाई हो, यस। तो हमें k की वैल्यू इसमें क्या रखें, -15 रख देंगे, तो ये जो सिचुएशन बनाएगी ये इक्वेशन, वो क्या बनाएगी, नो सॉल्यूशन की सिचुएशन बनाएगी। मतलब इनके सॉल्यूशन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो चेक कर लेता हूं क्या k की वैल्यू -15 आ रही है, यस सही बात समझ में आने लगी ना। अब थोड़ा सा इनको विजुअलाइज करो, अब तुम इसी तरह कहोगे सर सेकंड वाली इक्वेशन में भी हमें क्या समझना है, हम डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 रखते हैं, सो दैट इज 1/2 वो इक्वल होना चाहिए 2/k के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए 0/5 के। इसका मतलब क्या है कि तुम यहां पे क्या रखो कि ये नॉट इक्वल हो, इसको तो हम समझेंगे नहीं कि भाई ऐसे कोई भी वैल्यू रख दो इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इनको चेक करो, तो तुम कहोगे सर 1/2 = बेटा 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k = 2 × 2 दैट इज 4, कि k की वैल्यू तुम 4 रखोगे तो ये सिचुएशन भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 2/4 1/2 बनेगा जो इसके इक्वल नहीं है, 0 है तो, ठीक है। 1/2 और यहां पे 2/4 रख देंगे तो ये भी 1/2, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये नॉट इक्वल। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा ऐसी, 4 रखने पे ये तो सिचुएशन है, या बोल सकते हैं ये तो सिस्टम है, ये किसकी तरफ चला जाएगा, नो सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। आ रही बात हमने चेक कर लेते हैं क्या k की वैल्यू 4 है, यस बेटा। नेक्स्ट देखो 22 वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3/k वो इक्वल होना चाहिए बेटा -4/3 के, नॉट इक्वल होना चाहिए 7/-5, सही है क्या, क्योंकि c1 c2 अगर इधर है दोनों। चलो अब हमें इधर वाले को तो सॉल्व नहीं करना, हमें इन दोनों में देखना है कि k की वैल्यू क्या रखेगी इक्वल रह जाए बस, क्योंकि ये अगर इसके नॉट इक्वल है तो ये भी ऑब्वियसली नॉट इक्वल आने वाला है। तो 3/k = -4/3, तो यहां पे देखो बुक में एक बात लिखी हुई थी क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल, तो ऑब्वियसली हम दिख रहे हैं कि सर ये नॉट इक्वल है, तो इसमें क्लियरली लिखना हमें जरूरी है क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट है वो। अब सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = -4 × k, अगर तुम रेसिप्रोकल करके करो तो भी सही है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -9/4, क्या -9/4 आ रही, सही आ रही, उसने ऐसे लिखा हुआ है -9/4, दोनों का मतलब एक ही है, बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें। चलो नेक्स्ट 23 वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बेटा, इसमें देखो 2/3 लिख सकता हूं a1 a2, -k/2 b1 b2 एंड 3/-1 c1 c2, नॉट इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां पे देखेंगे ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये और ये इक्वल हो जाते हैं तो हम एक बार चेक कर लें क्या ये नॉट इक्वल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलो इन दोनों की हेल्प लो, 2/3 -k/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4/3 इज -k, और या फिर बोल सकते हो k की वैल्यू क्या है, -4/3। तो अगर हम -4/3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 बन रहा है, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है ध्यान रखना। तो ये इसके इक्वल तो नहीं है, चलो ये दोनों इक्वल होंगे, यस होंगे, कैसे होंगे,
भाई के की वैल्यू क्या रख रहे हो तुम, माइनस फोर अपॉन थ्री पुट करो इसमें, टू अपॉन थ्री इज माइनस माइनस फोर अपॉन थ्री अपॉन टू, तो ये टू अपॉन थ्री, माइनस के की वैल्यू नहीं रख रहे हम, के की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये बेटा देखो टू कट जाएगा फोर से, दैट इज टू अपॉन थ्री इक्वल आ गया, और नॉट इक्वल है थ्री अपॉन माइनस वन, भी हमारा सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो के की जगह तुम क्या रख दो, माइनस फोर अपॉन थ्री रख दोगे यहाँ पे, के की जगह, माइनस के की जगह नहीं बात कर रहा हूँ, तो माइनस के की जगह तुम्हें क्या रखना होगा, फोर अपॉन थ्री, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस फोर अपॉन थ्री। अब बातें तुम्हें थोड़ी सी समझ में आने लगी होंगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चंस की जो बोल सकते हैं बेसिक नीड है वो पता चली, तो तुम अब अच्छे से सोच पा रहे हो। इसमें बेटा सी वन सी टू उधर है, कोई दिक्कत नहीं, ट्वेंटी फोर्थ वाले में तुम क्या लिख सकते हो, टू अपॉन फाइव वो इक्वल होना चाहिए के अपॉन माइनस सेवन के, नॉट इक्वल होना चाहिए इलेवन अपॉन फाइव के, तो भाई इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन फाइव इज के अपॉन माइनस सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के को उधर ही रखो, माइनस सेवन इधर भेज दो, माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, तो के की जगह अगर माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव रखते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये नॉट इक्वल हो जाएंगे, तो ये सेटिस्फाई किसके लिए हो गया, नो सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई हो। लास्ट जो 25 वाला क्वेश्चन है वो देखो, 25 के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 6। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्यों, तुम इसको इन दोनों को लोगे तो के अपॉन 12 इज 3 अपॉन के आएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 12 आएगी, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6। तो हमें यहाँ पे समझना होगा सर, के की दो वैल्यू तो नहीं समझेंगे, एक ही समझते हैं कि यहाँ पे क्या रखे। तुमने अगर देखो के की जगह क्या लिया बेटा, एक बार 6 लिया, तो तुमने देखा 6 अपॉन 12 इज 3 अपॉन 6, तो वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब 1 अपॉन 2, ठीक है। उधर k की वैल्यू 6 रखो, 6 माइनस 3 अपॉन 6, ध्यान से समझना, मैं k की वैल्यू 6 रख रहा हूँ, तो तुमने रखा इसमें रख रहा हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आई 3 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 2, इसका मतलब तो सर क्या हो गया, ये तो तीनों इक्वल हो गए, बात समझ रहे हो, ये नॉट इक्वल होना चाहिए था, बट हमने जब इसमें k की वैल्यू 6 रखी प्लस 6 रखी तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब इस सिचुएशन में नहीं आ रहा, ये तो इक्वल वाली सिचुएशन में आ गया, इसका मतलब 6 तो नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, k की वैल्यू -6 से ट्राई करके देखते हैं क्या क्या होता है, तो -6 अपॉन 12 इज 3 अपॉन -6, नॉट इक्वल होना चाहिए -6 -3 अपॉन 6 के, है ना, इसको सॉल्व करो, ये होगा -1 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया ये भी -1 अपॉन 2, ओके नॉट इक्वल होना चाहिए -9 अपॉन 6, भाई 3 से काट लो, 3 3 9 3 2 6, तो ये नॉट इक्वल वाली सिचुएशन बन रही है, इधर देखो -3 ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल, हाँ अब क्यूआर बन गए, तो इसका मतलब हमें के की वैल्यू क्या लेनी है, -6 लेनी है, बात समझ आई तो बोलो यस। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बने जहां पे जो भी वैल्यू हमसे पूछ रहा है जिसकी वेरिएबल की, वो अगर दो वैल्यू आ रही है तो हमें एक बार चेक करना होगा सिस्टम में पुट करके, किसके लिए, जो भी बात कर रहा है, इनफाइनाइटली के लिए कर रहा है या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तो हम एक बार पुट करके चेक, क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, जब कब, जब दो वैल्यू है या दो से ज्यादा है तो हमें एक ही वैल्यू समझनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो के की वैल्यू -6 है, क्यों है मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड आउट करो और किसके लिए, इनकंसिस्टेंट कंडीशन के लिए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट। तो बेटा कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का प्रोसेस तुम्हें पता है अभी तो क्या था, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 अगर होगा तो ये जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चेक करो, 4 upon 2 is equal to 6 upon k not equal to 11 upon 7। अब यहां से इससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस दैट इज 4 upon 2 is equal to 6 upon k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4k is 6 into 2 और k की वैल्यू क्या है बेटा, 6 into 2 upon 4, तो 2 और यहां से आ गया 3। तो अब कहने का मतलब k की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो यहां से देखो 2 2 4 2 बन रहा है और 3 रखेंगे 3 2 6 तो 2 बन रहा है, बट यहां पे जो 11 upon 7 है नॉट इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर k की वैल्यू 2 आती तो हम सोचते हैं यहां पे देख के चेक करते हैं k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3, 26 में सही है। 27 में देखो हमसे कह रहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो किस सिचुएशन के लिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल है या बोल इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो अल्फा अपॉन 12
is equal 3 upon alpha is not equal alpha minus 3 upon alpha. अब तो क्या होगे सर, इसके लिए तो अल्फा निकालो. चलो मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ. अल्फा अपॉन 12 इज 3 अपॉन अल्फा, फिर से अल्फा स्क्वायर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और 12 इंटू 3 तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 36, दैट मींस अल्फा की वैल्यू वापस से प्लस माइनस 6 आ रही है. अब हमें चेक करना होगा क्या प्लस 6 रखने पे या माइनस 6 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक में ही होंगे. तो फॉर एग्जाम्पल पहले वाली वैल्यू में हम अल्फा इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो चेक करते हैं 6 अपॉन 12 वो इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन 6 के, नॉट इक्वल होना चाहिए 6 माइनस 3 अपॉन 6 के. तो तुमने चेक किया ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, और यहाँ से देखो 1 अपॉन 2 बन गया इक्वल 1 अपॉन 2, नॉट इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन 6 दैट इज आल्सो 1 अपॉन 2, बट ये तो इक्वल है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नाराज हो गया, तो मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं तो इक्वल हूँ, तुम नॉट इक्वल क्यों लगा रहे हो, मतलब हम 6 नहीं ले सकते, सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो हम किसको लेके, भाई सेकंड बात कि हमारे पास तो अल्फा माइनस 6 है उसकी हेल्प लेते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 6 अपॉन 12 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 अपॉन माइनस 6. ध्यान से समझना, इसको कैंसिल किया माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहां से माइनस 9 अपॉन माइनस 6 आया, 3 2 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, इसका मतलब ये नॉट इक्वल है. ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है बात. हाँ नॉट इक्वल होता है, माइनस वन अपॉन टू के इक्वल नहीं होता 3/2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अगर माइनस 6 लेते हैं तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में नो सॉल्यूशन बनता है. बस मैं बोला यस सर. ठीक है, नेक्स्ट देखो 28th वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है हमारे पास. पहले पार्ट में बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दूसरे पार्ट में कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करो नो सॉल्यूशन के लिए. तो तुम क्या करोगे, पहले यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताओ मुझे. यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, क्यों, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इस सिचुएशन में ही वो क्या होता है कंसिस्टेंट या बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन. तो हम चेक करेंगे k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्योंकि c1 c2 का हम यहां पे रेशियो फाइंड आउट नहीं करते हैं. तो हम यहां से देखेंगे सर k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 3 2 जा 6, मतलब k की वैल्यू अगर तुम 6 रख दोगे तो ये इनकंसिस्टेंट होगा नहीं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा नहीं, और अगर 6 नहीं रखोगे बाकी कुछ भी रखो तो ये किस में आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन में. तो मैं करो क्रॉस चेक कर लेता हूं, 27 पर भी नहीं किया था हमने, -6 था और उसमें k की वैल्यू नॉट 6 है. सेकंड सिचुएशन के लिए तुमने सोचा कि सर नो सॉल्यूशन का मतलब तो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल होता है बेटा c1 अपॉन c2 के. तो हमने देखा c1 c2 सही है, चलो चलने दो. k अपॉन 3 इक्वल होना चाहिए 2 अपॉन 1 और इक्वल होना चाहिए 5 अपॉन 1 के, नॉट इक्वल. तो ये 2 और 5 अपॉन 1 तो वैसे भी इक्वल नहीं होते, यहां से कैलकुलेट किया k अपॉन 3 इज 2 अपॉन 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब अगर हमने k की वैल्यू 6 रख दी, 6 रखते ही किस में बना जाएगा नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन में चला जाएगा. तो हमें k इज इक्वल टू 6 रखेंगे तब ये सिचुएशन किस में आएगी नॉट या नो सॉल्यूशन होगी. ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने उन्हीं को रिपीट किया, मतलब उन्हीं में स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा सोचा है, कुछ नई बातें सीखी आज मैंने, कुछ नया सिखाने की कोशिश की है. कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो उनको भी पता चले, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक यू.